नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंट्रल न्यूज। अब वक्त हो चला है देश और दुनिया से जुड़ी दिन भर की बड़ी खबरों का। भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव से पैदा हुए हालातों को लेकर दोनों देशों के बीच बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसी के मद्देनजर दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए कल यानी मंगलवार को कोर कमांडर स्तर पर तीसरे दौर की बैठक होगी। पिछले एक महीने के अंदर दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर पर यह तीसरी बैठक होने जा रही है। इस बार यह बैठक भारतीय पक्ष में चुशूल में आयोजित की जा रही है। अगर बात इससे पहले हुई दो बैठकों की करें तो दोनों बैठकें 6 जून और 22 जून को चीनी पक्ष में मोल्डो में हुई थी। इन बैठकों में 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। इन बैठकों के जरिए हो रही बातचीत का मुख्य एजेंडा डिसएंगेजमेंट के लिए दोनों पक्षों द्वारा किए गए प्रस्तावों को आगे ले जाना है। इसके अलावा LAC पर मौजूदा हालातों को देखते हुए स्थिति को स्थिर करने के लिए वर्तमान गतिरोध के दौरान सभी विवादास्पद क्षेत्रों पर भी चर्चा की जाएगी। अगली खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का साथ छोड़ दिया है। उन्होंने एक ऑडियो मैसेज जारी कर पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान किया। उन्होंने अपने ऑडियो मैसेज में कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ताज़ा हालातों को देखते हुए मैं इस फोरम से अपनी इस्तीफे की घोषणा करता हूं। फैसले के बारे में हुर्रियत के सारे लोगों को चिट्ठी लिखकर सूचना दे दी गई है। उनके इस्तीफे के पीछे की बड़ी वजह IAS और उनके बीच चली आ रही नाराजगी को बताया जा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की खतरनाक स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। पूरे महाराष्ट्र में खासकर मुंबई और पुणे में कोरोना वायरस के संक्रमण में तेजी देखी जा रही है। अगर बात आंकड़ों की करें तो महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 7429 हो गया है। वहीं राज्य में कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 164600 के पार जा चुकी है, जिनमें से मौजूदा समय में 70607 केस एक्टिव है। इसी के तहत राज्य सरकार में लगातार बढ़ रहे संक्रमण पर रोक लगाई जा सके, इसके लिए सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। लॉकडाउन की शर्तों में मास्क पहनना और 2 गज की दूरी रखना बेहद अनिवार्य होगा। कोरोना काल में लॉकडाउन के समय लाखों मजदूरों को मजबूरन काम न होने के चलते पैदल ही अपने घर जाना पड़ा, लेकिन अनलॉक 1 में उद्योग धंधे जैसे ही खुले तो वहीं कंपनियां चार्टर्ड फ्लाइट से मजदूरों को वापस कारखानों में ले जा रही है, जिनमें अधिकतर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां शामिल है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक महीने में मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल गुड्स, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टरों की कंपनियां 700 से ज्यादा घरेलू उड़ानों के द्वारा कामगारों को उनके घरों से वापस कार्यस्थल पर लेकर आई हैं। ईरान ने बगदाद में ड्रोन हमले में एक शीर्ष ईरानी जनरल की मौत को लेकर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दर्जनों अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिया है। इसके लिए इंटरपोल से मदद भी मांगी जा रही है। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईरान के इस कदम से ट्रंप की गिरफ्तारी का कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन इन आरोपों से ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव साफ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सेंट्रल न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और शेयर ज़रूर करें और वीडियो को भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।